आज भारत की 16वीं लोकसभा का आखिरी दिन था। पिछले कुछ समय से राफेल विमान सौदे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आज ही राफेल पर संसद में सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई है। केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन ने इस डील पर सीएजी की रिपोर्ट को पेश किया, जिसमें यह दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने राफेल विमान सौदा तत्कालीन यूपीए सरकार से सस्ते में खरीदा है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार ने यूपीए से 2.86% सस्ती दरों पर इन विमानों की खरीद की है। हालांकि बिल्कुल तैयार अवस्था में राफेल की कीमत यूपीए सरकार के जितनी ही है। हालांकि रिपोर्ट में विमान के दाम नहीं बताए गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट से मोदी सरकार का वो दावा भी खारिज हो गया है जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने राफेल विमान 9% सस्ते खरीदे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एनडीए सरकार की डील के अनुसार राफेल विमान की डिलीवरी तय समय से काफी पहले हो रही है। एक और पिछले डील में जहां 72 महीने का समय लग रहा था, लेकिन अब सिर्फ 71 महीने का समय लग रहा है। राफेल सौदे के बारे में सीएजी रिपोर्ट रखे जाने के साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर पलटवार किया है। जेटली ने ट्वीट किया है कि ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, सीएजी भी गलत है और सिर्फ परिवारवाद ही सही है। सीएजी की रिपोर्ट से महा झूठ बंधन का चेहरा बेनकाब हुआ है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास राफेल मुद्दे पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच संसद में राफेल मुद्दे को लेकर अहम बैठक भी हुई। इस मामले पर कांग्रेस ने सदन में स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी दिल्ली।